नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मैं अपने बैकयार्ड गार्डन का व्यू और हल्दी प्लांट के अपडेट। तो देख सकते हैं मेरे गार्डन में पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो बारिश के पानी मिलने से कोई पौधा का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो जो छोटे पौधे होते हैं तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम मेरे गार्डन देख रहे पूरा जंगल सा लुक लग रहा है, क्योंकि बरसात के पानी से खरपतवार भी बहुत सारे निकल जाते हैं और पौधा का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़रूरत है टाइम टू टाइम पौधे की कटाई छटाई करते रहना चाहिए। और देख रहे गुड़हल के मैंने कई सारे पौधे लगा के रखे हैं जो काफ़ी बड़ा बड़ा पौधा हो गया है, और कटिंग से इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये देसी गुड़हल है, वाइट और रेड कलर के हैं, और एक तो येल्लो कलर के भी है। और चांदनी के भी कई सारे पौधे लगे हुए हैं, जिसमें कि क्रेप चांदनी, डबल चांदनी, और देख सकते हैं अपराजिता के पौधे जो ब्लू कलर के फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं और घर के लिए शुभ भी माना जाता है। तो इसको सीड से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। इधर कड़ी पत्ता लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं इधर हल्दी के पौधे काफ़ी सारे मेरे गार्डन में हल्दी के पौधे हैं। तो इसको एक बार ही लगाए थे, जो छठ पूजा में हमारे यहाँ हल्दी आती है कच्ची हल्दी, तो उसी को मैंने एक साल लगा दिए थे। तो सालों साल इसके पौधे खुद निकल जाते हैं। जब इसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे, जनवरी फरवरी में इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हल्दी को, और उसी समय कुछ गांठे ज़मीन में पड़े रहने होने के कारण इसके पौधे जून जुलाई में खुद निकल जाते हैं। और पौधा के ग्रोथ देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, और इसके फ्लावर भी उतने ही सुंदर होते हैं जितना सुंदर इसका पौधा देखने में लगता है। फ्लावर्स भी इसके काफ़ी सुंदर होते हैं। तो ये बिल्कुल चाइनीज एवरग्रीन के पौधे जो लगाते हैं, तो उसी की तरह इसके पत्ते और काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो गए, देख सकते हैं। तो ये एक शेड लविंग प्लांट्स है, छायादार जगह में भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और इधर देख सकते हैं ड्रेसिना के लगे हुए हैं, तो गर्मी में तो इसके पत्ते पूरे जल जाते हैं और सूखने लगते हैं, पर बारिश से लेके विंटर तक इसके देखने में पत्ते बहुत ही सुंदर लगते हैं पिंक शेड में। तो आपको जगह जगह हल्दी के पौधे दिखने को मिल जाएंगे। तो हल्दी के पौधे लगाने के लिए अगर कोई बड़े पौधे हैं तो उसके नीचे भी लगा सकते हैं। तो मेरे जो हल्दी के पौधे देख रहे हैं सब गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उसी के नीचे हल्दी के पौधे लगे हैं। तो हल्दी का पौधा बड़े पौधे के नीचे भी बहुत अच्छे चल जाते हैं। तो इसको गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में मैंने जब छत में लगाए थे तो वीडियो भी शेयर किए हैं। तो गमले में लगाते हैं तो एक बार अगर मिट्टी की तैयारी करके लगाते हैं तो बरसात के पानी मिलने से पौधा का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसे देख सकते हैं अरबी लगे हुए हैं। तो हल्दी लगाने के लिए ज़मीन में कोई मिट्टी की तैयारी नहीं करनी पड़ती है, ऐसे ही लगा देते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। और इधर देख सकते हैं आम के पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें बरसात के सीजन में ही फ्रेंड्स इसमें आम आते हैं। तो इसके नीचे भी बहुत सारे हल्दी के पौधे लगे हुए हैं। और इधर पोई साग लगा है, तो देख रहे पत्ते की ग्रोथ। तो पोई साग एक बार लगाते हैं तो ये आपके गार्डन से नहीं जाता है, क्योंकि इसके इतने सारे सीड्स बनते हैं तो पौधे खुद बहुत सारे निकल जाएंगे। और देख सकते केले के पौधे हैं, जो काफ़ी बड़ा बड़ा पौधा केले के है, उसी के नीचे सब हल्दी के पौधे लगे हुए हैं। और ये वाला चांदनी देख रहे हैं, इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये सिंगल पेटल चांदनी है। तो चांदनी के भी पौधे कई सारे मैंने लगा के रखे हैं। ये देख सकते हैं मिनी चांदनी है, जिसमें कि कोई पेट्स का अटैक हो गया है, तो इसके पत्ते भी पूरे ख़राब हो गए हैं। तो एक तो चांदनी के पौधे थे उसमें भी पेट्स का अटैक हो गया था, तो उसको मैंने देख रहे पूरे प्रूनिंग कर दिए थे और नीम ऑयल का स्प्रे किए थे, तभी इसकी ग्रोथ अच्छा है। तो ज़मीन में जो पौधा लगा है, तो चांदनी के अगर उसके पत्ते पीले होते हैं या ख़राब होते हैं तो उसको ज़रूरत है प्रूनिंग करके नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, तब पौधा का ग्रोथ होगा, नहीं तो वो पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पूरा गार्डन का व्यू मैं नहीं शेयर कर पौधे एक एक करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इधर देख सकते हैं पर्पल हार्ट, जो बिना खाद बिना पानी को चलने वाला पौधा है। तो समर में इसको हफ्ते में एक बार पानी दे देते हैं तो भी खुश रहता है, वरना बरसात से लेके विंटर सीजन में इसमें कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बारिश का पानी ही इसके लिए काफ़ी रहता है। और छोटे छोटे वेस्ट बोतल में मैंने लगा के रखे हैं, तो एक भी छोटा सा कटिंग इसको कहीं से लेके आते हैं और अपने गार्डन में ऐड करते हैं, तो धीरे धीरे देखेंगे इसके कई सारे पौधे बना सकते हैं। और ये पूरा एक लाइन में मैंने छोटे छोटे प्लास्टिक के जो वेस्ट बोतल इधर से उधर फेंके के रखे रहते हैं पड़े, तो उसी में मैंने सब पौधे को लगा के रखे हैं पर्पल हार्ट। और देख रहे हैं ग्रीनरी के बीच में पर्पल कलर बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं। तो ये इंडोर्स आउटडोर्स कहीं भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में तो और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जो देख सकते हैं इधर मेरे गार्डन का व्यू इस तरह लग रहा है, जहाँ कि आम के केले के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, सुपारी के भी कई सारे पौधे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी